टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बंधुओं, देखो, अगर आपने हाथी पाला है तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेट करोगे तो शायद ये खर्चा आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ही खबर जिसको सुनकर आपको बहुत जल्दी रिएक्ट करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत लंबा हो सकता है। तो देखिए, फाइनली ये न्यूज़ तो आप सब जानते होंगे जो भी आईफोन यूजर्स हैं। नहीं जानते तो अभी सुन लीजिए कि जो भी आईफोन 6 या उसके ऊपर के फोन थे उसको एप्पल ने जानबूझकर स्लो कर दिया था। ये न्यूज़ काफी टाइम से रूमर में थी और एप्पल के ऊपर काफी क्लेम आए, काफी लॉसूट आए, काफी केसेस हुए उसके ऊपर, और तब जाके एप्पल ने एक रिएक्शन दिया। यहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया कि ये जो गलती थी वो एप्पल ने खुद करी थी और उसने जानबूझ के करी थी ताकि जो कंपोनेंट फेलियर होते हैं फोन्स के अंदर वो ना हो। चलिए, ये तो हो गई पुरानी बात, एप्पल ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली और उसके लिए कंपनसेशन दिया। लेकिन कंपनसेशन का फायदा तभी होगा जब आप इसको जल्दी से जल्दी जाके उठाएंगे। तो देखिए भाई, सारी बात ये है कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास आईफोन 6 या उसके ऊपर का कोई भी मॉडल है, चाहे वो वारंटी में है या वारंटी से बाहर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इससे पहले आप कभी भी आईफोन की बैटरी रिप्लेस कराते थे तो वहां पे जो आपको कॉस्टिंग आती थी वो आती थी तकरीबन 7000 प्लस टैक्स। मतलब ये कुछ मिला जुला के आपका 7500-8000 के आसपास जाता था, सर्विस टैक्स और ये सब मिला जुला के। लेकिन अभी बात करें तो एप्पल ने इस पूरे प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, और अगर आप इसको अभी रिप्लेस कराते हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो आने वाली है तकरीबन 2000 के आसपास। ये बैटरी का स्टेप एप्पल ने इसलिए लिया क्योंकि जो मेन कॉज था फोन के स्लो होने के पीछे वो था आपकी फोन की बैटरी, क्योंकि आपकी बैटरी जो है ओवर द टाइम वीक होने लगती है। ये नॉर्मली हर फोन के साथ होता है, आईफोन में कोई नई बात नहीं है। तो बैटरी जो है नॉर्मली 1 साल बाद 2 साल बाद वीक हो जाती है, और उसकी वजह से जो कंपोनेंट को पावर चाहिए होती है, जो प्रोसेसिंग में पावर की जरूरत होती है, वो बैटरी फुलफिल नहीं कर पाती है इतनी जल्दी से। इसलिए एप्पल ने क्या किया यहाँ पे कि जो प्रोसेसिंग है उसको ही स्लो कर दिया। उससे क्या हुआ कि भाई जो प्रोसेसिंग है वो बोलेगी बैटरी को कि भाई अब मुझे जल्दी जल्दी नहीं चाहिए, धीरे धीरे खाना दो, धीरे धीरे दो, और इसकी वजह से जो प्रोसेसिंग है उसमें कोई हार्म नहीं आएगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि इससे आईफोन जितने भी थे वो सारे स्लो हो गए। तो इसके लिए एप्पल ने ये रिएक्शन दिया और ये बोला कि जिस फोन में भी पुरानी बैटरी है या जो भी आउट ऑफ वारंटी चली गई है, या चाहे वारंटी में है, या फिर जिसका भी फोन स्लो चल रहा है, वो डायरेक्टली एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे विजिट कर सकता है और वहां पे जाके अपनी बैटरी को रिप्लेस करा सकता है। तो जहां पे पहले जो कॉस्ट आती थी वो 7000 की आती थी, वहीं पे अभी आप ये काम सिर्फ और सिर्फ 2000 प्लस टैक्सेस में करा सकते हो। इनफैक्ट मैं खुद टेस्ट करने गया था इस चीज को, मेरे यहां पे एक सर्विस सेंटर है एप्पल का, मैं वाशी गया था। मुझे पता लगा कि ये न्यूज़ आपको बतानी सबसे जरूरी है, क्योंकि बेसिकली अभी क्या हुआ है कि ये न्यूज़ सुनके सारे लोग अपने फोन की बैटरी रिप्लेस कराने के पीछे लग गए हैं, और इससे क्या हुआ है कि जो प्रेशर है सर्विस सेंटर पे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इनफैक्ट मैं खुद गया और वहां पे जब मैंने बोला कि मेरी बैटरी चेंज करनी है तो मुझे पता चला कि अभी मुझे 1 हफ्ते बाद आना पड़ेगा, मतलब कि जो सर्विस का वेटिंग टाइम है वो काफी लंबा खिंच चुका है। तो ये 1 हफ्ता 1 महीने में ना बदल जाए, इसलिए आपको क्या करना है, आपको जितनी जल्दी हो अपने पास के सर्विस सेंटर विजिट करना है जो एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर है, और जाके उससे अपॉइंटमेंट लेनी है कि कब आप जाके अपने फोन की बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो। और अगर आप ये बैटरी रिप्लेस करवा देते हो तो फिर आपका जो फोन है बिल्कुल फास्ट हो जाएगा पहले की तरह, मतलब जैसी परफॉर्मेंस आपको डे 1 पे देखने को मिलती थी लगभग वही परफॉर्मेंस आपको अभी बैटरी रिप्लेस करवाने के बाद देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि जहां पे आप 8000 पे करते थे वो काम अगर 2000 में हो रहा है, वो भी एप्पल की तरफ से खुद हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए जितनी जल्दी हो पाए, इससे पहले कि एप्पल जो ऑफर है विदड्रॉ कर ले। तो आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, अपनी बैटरी रिप्लेस करवाएं और अपने आईफोन को दोबारा से जिंदा करें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप आईफोन यूजर हो, अगर आपके पास आईफोन 6 है, 6s है, 6s प्लस है, 7 है, 5 SE है, ये सारे मॉडल्स हैं, तो आप विजिट कर सकते हो एप्पल के किसी भी प्रीमियम सर्विस सेंटर पे और वहां पे आप बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो। इस वीडियो के लिए आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनके पास आईफोन है उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो अपने फोन को दोबारा से जिंदा कर पाए और एक अच्छी हालत में ला पाए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।